Alright, दोस्तों ये है Dell G16 G15 का हमने वीडियो किया था दोस्तों एंड दीज आर गेमिंग लैपटॉप्स। Dell के जो गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं जी सीरीज में होते हैं। जी हाँ, उनका एलियन वेयर भी होता है बट दिस इज अ डिफरेंट सीरीज। अब इस लैपटॉप के बारे में बात करूं तो यस इट इज अ गेमिंग लैपटॉप, यस क्रिएटर्स के लिए भी ये लैपटॉप है बट इट इज मच मोर सटल लुकिंग। जनरली जो लैपटॉप्स गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं वो बहुत आउट देयर होते हैं, RGB लाइटिंग वगैरह होता है, आप बाहर लेके जाओगे तो लोग देखेंगे, बट आपको एक सटल प्रीमियम लुक चाहिए देन दिस इज फॉर यू। जी हाँ, अभी अभी लॉन्च हुआ है, इसका अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशंस करने वाले हैं। लेट्स ओपन। ऑलराइट, सीधा खोल रहा हूं, उल्टा, लेट्स सी। ओह ओके, और क्या है? ओह माय गुडनेस, ओह माय गुडनेस। ऑलराइट, लेट्स कीप दिस, ये अंदर रखते हैं सब कुछ। ओह देयर इट इज, ये रखते हैं साइड में। ओह Looks nice. ये white color सही में बहुत ही अलग दिखता है, बहुत अच्छा finish भी है, बहुत ही अलग लग रहा है ये। It does not look like a gaming laptop. अच्छा लगता है, इतना मैं definitely कहूँ। One thing is for sure, this is one of the biggest brick I have seen. जी हाँ, सबसे पहले very good quality cable है ये, very nice power cord. This is heavy. ये 330 वॉट का अडाप्टर है दोस्तों। And I'll tell you what, this is heavy. देखते हैं इसका वजन कितना है। लैपटॉप का तो वजन करने ही वाले हैं, but let's see इसका वजन कितना है। I think it's going to be more than a kg. 1165, मतलब nearly 1150 ग्राम का तो अडाप्टर ही है वैसे लगे हाथ। ये भी देख लेते हैं, दिस विल बी अराउंड 2.2-2.3 kgs, यस 2.27 kgs गेमिंग लैपटॉप पे दिस इज एक्सपेक्टेड। पोर्ट्स एंड बटन्स की तरफ देख लेते हैं दोस्तों। वैसे एक चीज कहूं, ये व्हाइट कलर है तो इसे थोड़ा मेंटेन करने में डेफिनेटली आपको ये क्लीन रखना होगा, उसके पास ध्यान देना होगा, बट व्हाइट लुक्स वेरी डिफरेंट एंड रिच, इतना कहूंगा। राइट हैंड साइड में दो USB टाइप ए पोर्ट्स मिलते हैं, पीछे की तरफ दोस्तों आपको यस टाइप ए पोर्ट मिलता है, बैरल कनेक्टर है, देन यू हैव फुल HDMI पोर्ट, टाइप सी है, ये पीछे की तरफ है, साइड में होता तो ज्यादा अच्छा होता, बट टाइप सी पोर्ट है। लेफ्ट हैंड साइड में दोस्तों आपको RJ45 पोर्ट मिलता है, 3.5mm जैक है एंड LED इंडिकेटर है। चलिए अब खोलते हैं, बाहर से तो देख लिया, अंदर से देखते हैं। Look at this, this laptop looks very nice. Definitely अच्छा दिखता है, backlit keyboard है, ये जो है speaker grill देखिए कितना बड़ा है and right front facing है, so that generally side में होते हैं दोस्तों speaker grills, इसमें आगे की तरफ है, right in front and power button इधर ही integrate किया हुआ है, पता भी नहीं चलता है, so look wise definitely excellent. Keyboard भी जो distance between keys है वो भी अच्छे है, ASDW, ये जो गेमिंग के लिए आप इस्तेमाल करते हो वो हाईलाइटेड है एंड यस RGB है। जो टचपैड है दोस्तों मैं कहूंगा एवरेज साइज का, इट्स नॉट वेरी बिग, एवरेज साइज का है एंड देन यू हैव दीज स्टिकर्स इंटेल के एंड एनवीडिया के। जी हाँ, दिस इज वन ऑफ द टॉप एंड लैपटॉप्स फॉर श्योर। वैसे फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है इसके अंदर, जी आई डोंट सी इट हियर, एंड विंडोज हेलो का भी सपोर्ट नहीं है। ऑलराइट, लेट्स क्विकली टॉक अबाउट स्पेसिफिकेशंस, लेकिन उसके पहले डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। ये 2K डिस्प्ले है, 16:10 एस्पेक्ट रेशियो है, मतलब आपको एक छोटे फॉर्म फैक्टर में बड़ी स्क्रीन मिलती है। इवन अगर बेजल्स के बारे में बात करूं, साइड के बेजल्स पतले हैं, चिन इज एवरेज साइज, ऊपर थोड़ी बड़ी है बेजल, लेकिन उसके अंदर आपको 720p वेबकैम मिलता है, साथ में माइक्रोफोन्स भी है दो इस तरह, और फास्ट रिफ्रेश रेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 240Hz फास्ट रिफ्रेश रेट आता है और कंफर्ट व्यू प्लस आता है इसके अंदर, तो लॉन्ग गेमिंग सेशंस 3-4 घंटे करते हो फिर भी आपकी आंखों को ज्यादा स्ट्रेन नहीं होना चाहिए। दोस्तों अगर ब्राइटनेस के बारे में बात करूं, डिसेंट इंडोर्स के लिए तो डेफिनेटली डिसेंट ब्राइटनेस, इट शुड बी, अभी पता नहीं है बट इट शुड बी अबाउट 300 odd nits ब्राइटनेस। चलिए स्पेक्स के बारे में बात करते हैं। इंटेल कोर i9 13 जनरेशन का टॉप ऑफ द लाइन प्रोसेसर आता है दोस्तों। अगर रैम के बारे में बात करूं, 16GB रैम आती है दो स्लॉट में, 8 GB, तो आप अपग्रेड कर पाओगे 64GB तक, और 1TB PCIe Gen 3 M.2 SSD आती है। और अगर रैम टाइप के बारे में बात करूं तो DDR5 रैम टाइप आता है, बट गेमिंग लैपटॉप है दोस्तों, जी हाँ ग्राफिक्स डेडिकेटेड कार्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये RTX 4060 एंड RTX 4070 भी आता है, लेकिन हमारे पास जो है वो RTX 4060। वैसे हमने इसका परफॉर्मेंस टेस्ट करने के लिए मल्टीपल बेंचमार्क्स रन किए हुए, मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। वैसे गेम्स परफॉर्मेंस टेस्ट करने के लिए हमने गेम जो खेले, डूम खेला हुआ है, GTA 5 खेला हुआ है, PUBG खेला हुआ है, सो वी प्लेड मल्टीपल गेम्स टू चेक द परफॉर्मेंस। एंड जैसे मैंने स्टार्ट में कहा दोस्तों, 2K गेमिंग आप बहुत अच्छी तरह से कर पाओगे एट 150-180 FPS कॉन्स्टेंट।
वैसे दोस्तों गेमिंग आप हमेशा सिर्फ गेमिंग ही नहीं करते हो, तो उसके लिए डेडिकेटेड बटन है, वो परफॉर्मेंस मोड में डालता है, फिर से प्रेस करोगे तो वो परफॉर्मेंस मोड से बाहर आ जाएगा। तो जब भी आपको गेमिंग करना है जस्ट विद वन की यू कैन गो गेट इनटू परफॉर्मेंस मोड। वैसे गेमिंग के लिए एलियनवेयर का ही कंट्रोल सेंटर आता है जहां पे आपको ओवरक्लॉक वगैरह करना है, आरजीबी वगैरह थोड़ा चेंज कस्टमाइज करना है, वो सब आप उधर से कर पाओगे। थर्मल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों ये हाई एंड लैपटॉप्स में, क्योंकि कभी कभी आप बहुत ही इंटेंस गेमिंग वगैरह करोगे बहुत ज्यादा आवाज आ जाता है फैन का, फॉर दोस थर्मल्स इसका भी आता है दोस्तों, बट थर्मल्स मैं कहूंगा बहुत अच्छे हैं। जहां पे भी गर्म होता है इट इज नॉट इन द कीबोर्ड एरिया, ऊपर की तरफ ही सिर्फ गर्म होता है, तो आपको वो महसूस बिल्कुल भी नहीं होता। सो आई विल से थर्मल्स आर रियली गुड। व्हाट इंप्रेस मी वाज ऑडियो, खेलते समय हमने देखा ये डॉल्बी ट्यून्ड स्पीकर्स हैं, अच्छा डिस्प्ले तो है ही, बट इवन द ऑडियो इज वेरी गुड, इट्स लाउड एंड क्वालिटी अच्छी है। मल्टीमीडिया के लिए भी अच्छा है, मतलब गेमिंग के साथ में थोड़ा गेमिंग से बोर हो गया, आपको नेटफ्लिक्स वगैरह देखना है, यू आर गोइंग टू एंजॉय। बैटरी के बारे में बात करते हैं, वैसे जब गेमिंग करते हो तो यू कैन जस्ट प्लग इट इन, लेकिन बैटरी बैकअप भी अच्छा है मैं कहूंगा, और 86 वॉट आर की बैटरी आती है, 330 वॉट का चार्जर है, अगर मॉडरेट यूसेज करोगे तो 4 घंटे आपको बैकअप मिलना चाहिए। ओएस के बारे में बात करते हैं, विंडोज 11 होम आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, ऑफिस 2021 का सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है, मैकेफी का सब्सक्रिप्शन भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है आपको, सो दैट इज देयर। और हाँ, 1 साल ऑन साइट वारंटी भी मिलती है, तो अगर 1 साल में ये लैपटॉप लेने के बाद कुछ हो गया डोर स्टेप सर्विस मिलेगी। कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो वाईफाई 6 है, ब्लूटूथ 5.2 की कनेक्टिविटी आती है। इंटरेस्टिंगली दोस्तों अगर आपको ये खरीदना है राइट, अभी डेल वेबसाइट के ऊपर सिर्फ RTX 4070 जो सबसे हाई एंड है वही है, उसकी प्राइस अराउंड 2 lakh 2 lakh 10,000 है। इसके नीचे वाले वर्जन भी होने चाहिए जिसमें 4050 या 4060 RTX ग्राफिक्स कार्ड मिले एंड प्राइस पॉइंट जो है थोड़ी कम हो जाए, बट दिस इज जस्ट लॉन्च तो आई एम नॉट श्योर, अलग अलग वेरियंट भी आएंगे। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है यू कैन ऑल्सो लुक एट G15, उनकी जो गेमिंग सीरीज है विच इज द लोअर एंड। ओवरऑल रियली गुड लुकिंग पावरफुल लैपटॉप विथ वेरी गुड डिस्प्ले, यही है G16, डेल G16 गेमिंग लैपटॉप। अगर आपको कोई सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ भी फायदा हुआ दोस्तों लाइक एंड शेयर प्लीज जरूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।